नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर जो है वो है योगी आदित्यनाथ को लेकर, जिनका जन्मदिन है। 51 वर्ष के योगी आदित्यनाथ हो गए हैं। इस बीच में बधाइयों का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। एक खास किस्म के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ है, और कई मौकों पर दूसरे राज्यों में भी क्राइम को कैसे हैंडल करना है इसे लेकर योगी आदित्यनाथ की चर्चा होती रहती है। इस चर्चा के बीच में मायावती और अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है। क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं। पिछले 6 वर्षों में उन्होंने राज्य को शानदार नेतृत्व प्रदान किया है और साथ ही इसकी सर्वांगीण प्रगति सुनिश्चित की है। प्रमुख मानदंडों पर उत्तर प्रदेश का विकास उल्लेखनीय रहा है। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। इसके अलावा अमित शाह का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण व सुशासन को जमीन पर पहुंचाने में आपके नेतृत्व में प्रदेश सरकार सराहनीय कार्य कर रही है। आप स्वस्थ रहें व दीर्घायु हों, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बाबा केदार एवं बद्री विशाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुयशपूर्ण जीवन की कामना करता हूं। लेकिन चर्चा मायावती की भी है, अखिलेश यादव की भी है, क्योंकि ये दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, खासतौर पर अखिलेश यादव। और जिस तरीके की नोकझोंक अखिलेश यादव के साथ में योगी आदित्यनाथ की यूपी की विधानसभा में देखने को मिलती है या अलग अलग मंचों पर देखने को मिलती है, उसकी आमतौर पर काफी चर्चा होती रहती है। लेकिन योगी के जन्मदिन के मौके पर मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं तथा उनके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना। उधर अखिलेश यादव ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने लिखा, योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तो एक तरीके से ये शिष्टाचार ट्वीट आप इसे अखिलेश यादव का कह सकते हैं। ज्यादा कुछ उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन इतना जरूर कहा कि उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी इस मामले पर ट्वीट आया है। उन्होंने रिएक्ट करते हुए कहा, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, आपको जन्मदिन की आत्मीय बधाई। भगवान श्री राम की कृपा से आप सदैव स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से उत्तर प्रदेश मुक्त रहे तथा विकास की नई ऊंचाइयों को स्पर्श करे, यही कामना करता हूं। लेकिन अखिलेश यादव और मायावती के रिएक्शन पर आपका क्या रिएक्शन है, और आप भी क्या योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर कुछ कहना चाहते हैं या उनके काम करने के तरीकों को लेकर कुछ कहना चाहते हैं, तो नीचे अगर कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।